प्रथम तहलका न्यूज और पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हां, पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पंचकुला की इंदिरा कॉलोनी में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। आपको बता दें कि देर रात पुलिसकर्मियों पर हुए हमले के बाद ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने मौके से कई हथियार जो है वो बरामद किए हैं। आपको बता दें कि ड्रोन की मदद से पुलिस ने कई हथियार बरामद किए हैं और पूछताछ के लिए कुछ लोगों को भी राउंड अप किया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही है, जहां पंचकुला की इंदिरा कॉलोनी में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। आपको बता दें कि देर रात पुलिसकर्मियों पर हुए हमले के बाद ये फ्लैग मार्च निकाला गया है और फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने मौके से कई हथियार जो है वो बरामद किए हैं। आपको बता दें कि ड्रोन की मदद से पुलिस ने कई हथियार जो है वो बरामद किए हैं और पुलिस ने पूछताछ के लिए कई लोगों को भी राउंड अप किया है। उपद्रवियों ने पुलिस पर तेज धार हथियारों, लाठी, ईंटों और पत्थरों से हमला किया था। देर रात पुलिस ने हवाई फायर चलाकर अपनी जान बचाई है। की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही है, जहां पंचकुला की इंदिरा कॉलोनी में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। जी, उसमें ये हमारे संज्ञान में आया था कि दो गुट जो पड़ोसी हैं आसपास में, उनकी जो है आपस में उनका डिस्प्यूट था, उसको लेके उनमें झगड़ा हुआ और पथराव भी हुआ। और जब पुलिस पार्टी वहाँ पे गई और पुलिस वहाँ पे सिचुएशन को शांत करा रही थी, तो पुलिस पार्टी पे भी पथराव हुआ। उसको लेके हमने मुकदमा दर्ज किया है। जो कुछ व्यक्ति वहाँ पे मौके पे थे उनको राउंड अप भी किया गया है और उसमें जो फॉर्मल लीगल आगे एक्शन है वो करके जो बाकी इन्वेस्टिगेशन है उसे भी जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। पुलिसकर्मी घायल भी हुए कुछ? जी, 9 पुलिसकर्मी हैं जिनको कुछ चोट लगी है और उनको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। अभी तक जो सूचना आ रही है वो किसी प्रकार के भी खतरे से बाहर हैं, पर हम उनको मॉनिटर करवा रहे हैं और आगे जो लीगल एक्शन होगा वो इनिशिएट किया जाएगा। इस पर लोगों की प्रतिक्रिया थोड़ा सा कड़वी है पुलिस विभाग के लिए कि जब पुलिस ही नहीं सुरक्षित है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? देखिए, जो भी है हम कानून के दायरे में रह के उसको बिल्कुल जो लीगली एक्शन है वो लेना चाह रहे हैं। फिर भी हम ये इसके बारे में बताना चाहेंगे कि जहाँ पे भी वो लोग इकट्ठे थे उसके बावजूद भी जो मुख्य आरोपी थे उनको पुलिस ने राउंड अप किया है और उनकी अरेस्ट के बाद और जो भी आगे अन्य लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उन पे भी कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। उसका नाम बता ना देखा दरवाजा बंद करने के लिए।
कई दर हो जाए कांड पीछे हो जाओ अभिषेक